हेलो दोस्तों, सुबह सुबह दिन की शुरुआत करते हैं वजन चेक करके और देखते हैं आज के दिन में ये हो चुका है 64.700। गुड। आज 5 अप्रैल 2024, अभी बज रहे सुबह के 10:30 और मैं मेरे दिन की शुरुआत करने जा रही हूँ इसे एक ब्लैक कॉफी के साथ। और एक बात बता दूं कि आज फिर से 11 है तो 11 का उपवास तो मैं करूंगी ही, पर मैं देखती हूँ जहां तक हो सके मैं चाहती हूँ कि मैं फास्ट ही करूँ, कुछ भी फलाहार ना करूँ। पर अगर मुझे लगा कि कोई चक्कर वक्कर वाला सीन हो सकता है तो मैं उपवास का खाना जरूर खाऊंगी, और खाऊंगी तो आपको बता दूंगी। अभी बज रहे रात के 9:30 और मैं क्या ही बताऊँ आपको, आज ना मेरे पास आपको दिखाने के लिए कोई भी फूड डिश नहीं है क्योंकि आज मैंने कुछ खाना खाया ही नहीं है। सुबह से मैंने वो जो एक मग भर के ब्लैक कॉफी पी थी मैं उसी पे अभी तक हूँ, और फॉर्चुनेटली मुझे खुद भी ऐसी भूख नहीं लगी थी पूरे दिन, पर अभी अभी मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है और खाने की भी जरूरत है। इसीलिए 11 का फास्ट तो मैं कर ही रही हूँ, तो मैंने ना ये मूंगफली ले ली है जो 11 में खा सकते थे, और ये एक बड़ा सा मग भर के ना आज मैंने मिल्क पाउडर और हनी वाली कॉफी बनाई है। इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है और रियल मिल्क नहीं है, मिल्क पाउडर है। तो बस यही है आज का मेरा डिनर। और तो मैं क्या बताऊँ आज आपको, मैं बहुत खुश हूँ कि चलो खाने पे इतना कंट्रोल रहा है, अच्छी बात है। ऊपर से मेरा वेट भी आज कंट्रोल में आ गया है 64.700 समथिंग, सो इट्स अ रियली गुड फॉर मी एंड आई फाउंड माई सेल्फ ब्लेस्ड कि चलो भाई इतना खाने के बावजूद, मतलब मैं इतनी भागा दौड़ भी करती हूँ पर फिर भी इतना संभल के रहा है और 64 मेंटेन हो गया इतने कम दिनों में वापस, सो इट्स अ रियली बिग डील फॉर मी के चलो गुड है। अब देखते हैं, बहुत कम दिन बचे हैं ये जर्नी खत्म होने में, तो शायद 10 दिन हार्डली बचे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। 69 से मैंने शुरुआत की थी तो अभी मैं 64 तक पहुंची हूँ, और मैंने बात की थी 60 तक पहुंचने की, और अब बचे हैं सिर्फ 10 दिन। वैसे अगर मैं नमक छोड़ दूँ या फास्ट पे चली जाऊँ या क्रैश डाइट कर लूँ तो मैं इस 10 दिनों में, आने वाले इन 10 दिनों में मैं रिकवर कर सकती हूँ, 60 तक जा सकती हूँ। पर मैं कन्फ्यूज हूँ, और मैं कन्फ्यूज नहीं, मैं क्लियर हूँ कि मुझे इस तरह से वेट लॉस नहीं करना है, मतलब सैक्रिफाइस करके नहीं करना है, मुझे थोड़ा स्मार्टली करना है जिस तरह मैं अब तक करती आई हूँ कि मैंने कभी कभी खाया भी है, कभी कभी संभल के खाया है, तो मैंने कुछ ज़्यादा सैक्रिफाइसेस नहीं किए हैं। आपने भी देखा है कि मैंने काफ़ी चीट मील्स किए हैं, तो मैं मानती हूँ कि यही सही तरीका है मेरे लिए, क्योंकि इस तरह से ना रिगेन नहीं हो रहा है वेट मेरा जो 74 से अभी 64 तक पहुंच गया है। अभी आप देखिए मैंने अभी रिसेंटली 2-3 चीट मील की है, फिर भी वो रिगेन नहीं हुआ, जैसे ही मैंने संभल के खाना शुरू किया वो वापस 64 का नंबर दिखने लग गया। सो मैं सोचती हूँ कि मैं इसी तरह से वेट लॉस कर पाऊँ। देखते हैं अब आने वाले 10 दिनों में क्या होता है। अगर आपकी कोई राय है या सुझाव है तो आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों का इतना सपोर्ट है तभी मैं इतने अच्छे से मेरे डाइट को कंट्रोल कर पा रही हूँ। मैं सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं डाइट शुरू तो करती हूँ पर फॉलो नहीं कर पाती थी, बट ये जो आप लोगों का सपोर्ट है तो काफ़ी हद तक मैंने वेट कम कर लिया है, बट आई वॉन्ट लूज सम केजीस मोर। सो चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब कल फिर करेंगे अगले दिन की बातें, अगले दिन के खाने की बातें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मूंगफली जो मैंने बोला कि मैं खाने जा रही हूँ, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे टोका कि इसमें तो नॉर्मल नमक है, वो सिंधो नमक नहीं है, तो फलाहार में नहीं खानी चाहिए। तो फिर मैंने ये मूंगफली नहीं खाई थी, एक डिब्बे में पैक कर दी थी और सिर्फ ये कॉफी पी थी। तो दोस्तों आज की जर्नी यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नई सुबह के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।